हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ किंग मेकर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल डे 3। सो अगर आपने अभी डे 1 डे 2 नहीं देखा है तो पहले जाके आप डे 1 डे 2 देखिए, उसके बाद डे 3 लेक्चर देखने का कोई फ़ायदा है, ठीक है। सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं सोल्विंग इक्वेशन हैविंग वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड्स। देखो, अभी तक हमने पढ़ा है कि अगर वन साइड में वेरिएबल हो तो हम उसको इक्वेशन को कैसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी हम पढ़ेंगे कि अगर दोनों तरफ इक्वेशंस के दोनों तरफ लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में वेरिएबल हो तो कैसे उसको सोल्व करते हैं, ठीक है। सो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपकी बुक में एग्जांपल नंबर 12 दिया गया है, 2x-3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो देखो करना क्या है, वेरी वेरी सिंपल है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जितने भी वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स को एक साइड में रखना है और नंबर्स को दूसरे साइड लेके चले जाना है, ठीक है। बहुत सिंपल है। सो ये 2x, अब ये x लेके आओगे आप इधर लेफ्ट साइड में 2x के साथ, ठीक है। सो ये इधर प्लस है तो इधर आने के बाद हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब ये नंबर को ले जाओगे उधर तो इधर नंबर माइनस है, उधर जाते ही नंबर कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। 2x-x हो जाएगा x इज इक्वल टू 2+3 हो जाएगा 5। सो बच्चों ये आ गया आपका सॉल्यूशन, एक्स की वैल्यू निकल के आ गई। बहुत इजी है प्रॉब्लम। अब इसको कैसे चेक करोगे कि हमारा आंसर सही है कि गलत है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी, लेफ्ट हैंड साइड है आपकी 2x-3, ठीक है। 2x, एक्स की वैल्यू 2 रख दो। सो 2 × 5-3 10-3 दैट इज 7। 7 आ गई वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की। अब राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लो। सो राइट हैंड साइड की वैल्यू आई x+2, x की जगह 5 रखा, 5+2 इज इक्वल टू 7। आप देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या है कि आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक है। अभी दूसरा क्वेश्चन एक चेक कर लेंगे। देखो यहाँ साथ साथ में आप क्वेश्चन जब सोल्व कर रहे हो तो साथ साथ में उसको चेक भी कर सकते हो कि हमारा आंसर जो है ठीक है कि गलत है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, 5x+7/2 इज इक्वल टू 3/2x-14, ठीक है। इसमें बस नॉर्मल है, इसमें बस ये दिया है कि आपके जो नंबर्स हैं वो उसने फ्रैक्शन में दे दिया है, ठीक है। सो प्रोसेस आपका वही रहेगा कि वेरिएबल्स एक तरफ लेके जाना है और नंबर्स एक तरफ लेके जाना है। सो यहाँ पे वेरिएबल है आपका 5x इधर और ये 3/2x इधर प्लस है तो इधर आके कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये 7/2 इधर प्लस है तो उधर जाके कैसा हो जाएगा, -7/2-14, ओके। अब यहाँ पे देखो फ्रैक्शंस को सोल्व करने के तरीके बहुत सारे हैं, आपको जैसा तरीका पता हो वैसे तरीके से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे एलसीएम लेके करता हूँ, 2 LCM लिया, 2 5 या 10, 10x-3x इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे LCM ले लिया 2 तो ये बचेगा -7-28। सिंपल फ्रैक्शन है, आपको जैसे मन जैसे मर्जी होता है वैसे इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो 2 इधर भी डिवीजन में, इधर भी डिवीजन में है तो 2 जो है कैंसिल हो जाएगा। अब ये आ गया आपका 10x-3x हो जाएगा 7x, 7x इज इक्वल टू -7-28, तो -7-28 हो जाएगा -35। अगर किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम है कि कैसे -7-28 हो जाएगा, सो मेरा क्लास 7th का लेक्चर मैंने एक बनाया हुआ इंटीजर्स के ऊपर, ठीक है, इंटीजर्स का सम और डिफरेंस कैसे करते हैं, उस लेक्चर को देखिए आपको सब समझ आ जाएगा कि माइनस कैसे हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई वो आ गई 7x इज इक्वल टू -35। अब ये 7 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो उधर जाके हो जाएगा डिवीज़न में, तो आंसर आ जाएगा आपका -5। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई बच्चों, -5 आई। अब हमें इसको चेक करना है आंसर को कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो दी है उसको देखो, लेफ्ट हैंड साइड है 5x+7/2, इसमें x की वैल्यू -5 पुट करो, 5 -5+7/2 तो कितना आया, -25+7/2, ठीक है। अभी LCM लोगे फिर 2 -50+7 सो यह -43/2, ओके। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड ये आ गई, राइट हैंड साइड क्या है उसको भी चेक कर लो, 3/2x-14, x की वैल्यू रखोगे आप -5 और ये आ जाएगा -14, तो ये आ जाएगा -15/2 -14, यहाँ पे 2 LCM -15 -28 तो ये आ जाएगा -43/2,
टू। अभी आप क्या देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो है वो राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल आ रही है। इक्वल आ रही है मतलब क्या है कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे साथ के साथ आप चेक कर सकते हो कि आपका आंसर ठीक है कि गलत है। ओके, अब उसके बाद आपकी आती है एक्सरसाइज नंबर 2.3। 2.3 आपको करनी है खुद, उसमें अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो, आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। अभी हम बात करेंगे ये जो हमने अभी पढ़ा है इक्वेशंस। अब माइंड में आपके ये सवाल आना चाहिए हमेशा, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो तो आपके माइंड में हमेशा ये सवाल आना चाहिए कि ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं इसका आखिर यूज़ क्या है। ठीक है, सो इसका बहुत बड़ा यूज़ है हमारे डे टू डे लाइफ में। सो कुछ यूज़ पढ़ेंगे अभी हम यहाँ पे, दो तरह के यूज़ मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ। पहला यूज़ है कि नंबर सिस्टम में इसका, नंबर थ्योरी में इसका यूज़ होता है। ठीक है, नंबर थ्योरी में इसका यूज होता है। जैसे एक एग्जांपल आपका दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 14। सो एग्जांपल नंबर 14 हम इसकी हेल्प से सोल्व करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो उसमें करना क्या है हमें, सबसे पहले हमें एक इक्वेशन बनानी है, जो कंडीशन दी होगी उस कंडीशन का यूज़ करते हुए हमें इक्वेशन बनानी है और उस इक्वेशन को फिर सोल्व करना है। ठीक है, सो आपका एग्जांपल नंबर 14 दिया हुआ है, द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर अगर कोई भी है, मान लेते हैं ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है कि टू डिजिट नंबर है आपका, है ना, तो एक ये एक्स है और एक ये वाई है, इसका ये यूनिट डिजिट है और ये इसका टेंथ डिजिट है। ठीक है, टेंथ डिजिट है। सो कोई भी नंबर अगर आपको लिखना है, जैसे मान लो 56 लिखना है, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको एक्सपेंशन फॉर्म में, 5 × 10 + 6। तो जो टेंस प्लेस है उस टेंस प्लेस में उसके 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, 100 प्लेस होता तो 100 की मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, सो अभी ये जो नंबर मैंने लिखा है x, इसका मतलब क्या है कि x में करेंगे हम 10 की मल्टीप्लाई और y को ऐड कर देंगे उसके साथ। तो ये नंबर की जो एक्चुअल वैल्यू है वो ये है, अगर इसको हमें एडिशन के फॉर्म में लिखना हो। ठीक है, तो बच्चों अभी देखो कंडीशन क्या कह रहा है वो, द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर डिफर्स बाय 3। वो कहता है कि हमारी जो डिजिट्स है, मतलब वाई और एक्स में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस है। ठीक है, अब देखो ये हो सकता है कि एक्स बड़ा हो, ये हो सकता है कि वाई बड़ा हो। अगर एक्स बड़ा होगा तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 नंबर बड़ा हो जाएगा इससे। अगर वाई बड़ा होगा तो वाई इससे 3 नंबर बड़ा हो जाएगा। दोनों कंडीशन हो सकते हैं। ठीक है, सो इसको देखेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो मान लेते हैं हम कि वाई बड़ा है अभी। ठीक है, कुछ सेकंड्स के लिए हम ये मान लेते हैं कि वाई बड़ा है। तो वाई की वैल्यू क्या दे रहा है वो, वाई की जो वैल्यू है वो एक्स से 3 ज़्यादा है, यानी कि वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 है। ठीक है, तो वाई की वैल्यू मैं क्या रख दूँ, एक्स प्लस 3 रख देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो वाई की वैल्यू हो गई एक्स प्लस 3। अब क्या कहता है ये, इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज। देखो पहले नंबर ये बनेगा फर्स्ट कंडीशन के अनुसार। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग नंबर ये बनना चाहिए 10x + x + 3। अब इसको ऐड कर दो, 10x + x + 3, तो कितना हो जाएगा, 11x + 3। ये है हमारी पहली कंडीशन, पहली कंडीशन के अनुसार नंबर ये होना चाहिए। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि अब उनके डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया गया है, यानी कि x की जगह पे y रख दिया गया और y की जगह पे x रख दिया गया। तो बच्चों अभी नंबर क्या हो जाएगा, 10y + x नंबर हो जाएगा, है ना। तो अभी ये कह रहा है कि इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। अब ये देखो y तो उतना ही रखना है हमें, y कितना रखना है हमें, 10x + 3 रखना है। तो y की जगह पे क्या रखेंगे, 10x + 3 रखेंगे और प्लस x रखेंगे। सो अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 10 को 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 100x प्लस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो 30 आ जाएगा प्लस x। 100x और x ऐड हो जाएंगे तो 101x हो जाएगा और प्लस 30 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो सेकंड कंडीशन के अनुसार जो नंबर है हमारा, सेकंड कंडीशन के अनुसार हमारा नंबर ये वाला नंबर है। ठीक है, और फर्स्ट कंडीशन के अनुसार ये वाला नंबर है। तो अभी ये कह रहा है कि अगर हम इन दोनों नंबर को ऐड कर दें, किस किस को, इसको इसके साथ अगर ऐड कर दें, जो नंबर हमने अभी रिवर्स करके डिजिट को बनाया है, सो इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज देन द रिजल्टिंग नंबर इज एडिड टू द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है,
इलेवन एक्स प्लस थ्री है, और जो अभी हमने डिजिट को रिवर्स किया उसके बाद हमारा क्या नंबर बना, 101x+30। अब ये कहता है कि दोनों को अगर ऐड कर दो, थर्ड कंडीशन क्या कह रहा है कि दोनों को ऐड कर दो, यानी कि 11x+3+101x+30 दोनों को हमने ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद क्या आता है, देखो 11x+100x। अब ये ऐड करने के बाद कहता है कि 143 वैल्यू आती है इसकी ऐड करने पे, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन से ये था, सेकंड कंडीशन से ये था, दोनों को ऐड किया तो आंसर आया आपका 143। अब क्या करेंगे हम, 11x को 101x के साथ ऐड करो तो कितना आ जाएगा, 112x, ठीक है, 112x। 3 को 30 के साथ ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा, इज इक्वल टू 143। अभी हम क्या करेंगे, ये जो 33 है, अभी ये देखो आपकी सिंपल इक्वेशन बन गई, सिंपल इक्वेशन बन गई, तो अब इसको हम सोल्व करेंगे बिल्कुल अपने जो मेथड हमने यूज़ किया है उसी मेथड से, ठीक है। सो उस मेथड का यूज़ करते हुए अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो सॉरी सॉरी सॉरी, देखो आपने एक गड़बड़ यहाँ पे कर दी, ये जो y की वैल्यू यहाँ पे रखनी थी, y की वैल्यू यहाँ पे रखनी थी बच्चों x प्लस थ्री, हमने क्या रख दिया, 10x+3 रख दिया, तो पूरी इक्वेशन गड़बड़ हो गई। तो सेकंड कंडीशन थोड़ा चेंज करेंगे हम, ठीक है। y की वैल्यू रखनी थी x प्लस थ्री, हमने रख दी 10x+3। सो 10 इंटू वाई की वैल्यू रखेंगे x प्लस थ्री और प्लस x, तो ये हो जाएगा 10x+30+x, यानी कि ये हो जाएगा 11x+30, ठीक है, नॉट 101x। तो ये क्या हो जाएगा, 11x+30 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ऐड करोगे आप, 11x और 11x ऐड हो गए, हो जाएंगे 22x, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 11x+30, ये ठीक है, 30 ठीक है, ठीक है बच्चों। तो 22x+33 इज इक्वल टू 143। अब ये 33 को उधर लेके चले जाएंगे, 22x इज इक्वल टू 143 माइनस 33, तो ये कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू, अब ये 22 डिवीजन में चला जाएगा, 110/22, तो वैल्यू आ जाएगी बच्चों 5। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 5 आ गई, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 5 आ गई, इसका मतलब ये वाला नंबर क्या होगा, अगर ये 5 होगा तो मैंने क्या बताया था आपको कि ये नंबर इससे थ्री नंबर बड़ा है, ठीक है, डिफरेंस उनका 3 का है। तो ये y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस थ्री हो जाएगी, तो 5+3 हो जाएगी, मतलब 8 हो जाएगी। तो नंबर कौन सा आ गया बच्चों आपका, नंबर आ गया, रिक्वायर्ड नंबर इज़ 58, ठीक है। सो रिक्वायर्ड नंबर इज़ 58, समझ गए बच्चों बात। तो इस तरह से हम ये नंबर प्रॉब्लम जितनी भी है हमारी, नंबर प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व करेंगे। और अभी हम डिस्कस करते हैं, देखो ये 58 भी हो सकता है, 85 भी हो सकता है, ठीक है। सेकंड इसका देखो, अभी ये अभी हमने जो सॉल्व किया इसको 58 आया, अभी ये 85 भी हो सकता है नंबर। कैसे नंबर हो सकता है, अगर x को आप बड़ा डिजिट मान लो और y को छोटा डिजिट मान लो, सो ये नंबर 85 हो जाएगा, ठीक है। सो ये वाला जो पार्ट है, आप इस पार्ट को अपने आप करके देखो कैसे नंबर 85 हो जाता है, क्योंकि नंबर को इंटरचेंज करने पे वो क्या हो जाता है, 85 हो जाता है, ठीक है। सो 85 नंबर लिखो या 58 नंबर लिखो, दोनों की वैल्यू, दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे 143 आता है। तो 58+85 करो या 85+58 करो, तो आंसर कितना आता है, 143 आता है, ठीक है बच्चों। तो इसके दो आंसर होंगे क्वेश्चन के, एक होगा 58 और एक होगा 85, दोनों ही आंसर आपके ठीक हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं हम दूसरे यूज़ की, दूसरा यूज़ क्या है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स में हम लीनियर इक्वेशंस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो उसमें कुछ कंडीशन दी होंगी, कंडीशन से हमें एक्सरसाइज वो लीनियर इक्वेशन बिल्डअप करनी है, सो उसको फिर हमें सोल्व करना है, ठीक है। अभी आपका एग्जांपल नंबर 15 जो दिया है वो ये दिया है कि अर्जुन इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रिया, ठीक है। ये देखो, ये अर्जुन है और ये श्रिया है,
ठीक है। अर्जुन की जो एज है वो सपोज कर लेते हैं हम, जो छोटी वैल्यू होती है उसको हम एक्स सपोज कर लेंगे। तो श्रेया की वैल्यू मान लेते हैं कि एक्स है, अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया। सो अर्जुन की एज कितनी होगी, इसका ट्वाइस होगा। सो ट्वाइस कितना हो जाएगा बच्चों, 2x हो जाएगा। तो ये हुई आपकी फर्स्ट कंडीशन, 5 ईयर्स एगो। अब 5 साल पहले जो श्रेया की एज होगी वो कितनी होगी, 5 ईयर्स बिफोर। देखो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं हम, प्रेजेंट एज और बिलो बिफोर 5 ईयर्स, ठीक है बच्चों। देखो अगर आज आपकी एज जो है 10 ईयर्स है, तो 5 साल पहले कितनी एज थी आपकी, 5 माइनस कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, 5 ईयर्स आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आज किसी श्रेया की एज अगर एक्स ईयर्स है, तो 5 ईयर्स पहले कितनी एज होगी उसकी, एक्स माइनस 5 होगी, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। सो 5 ईयर्स एगो हिज एज वाज 3 टाइम्स श्रेयाज एज। तो अभी कह रहा है कि भाई अर्जुन की एज आज तो उसकी एज की डबल है, बट 5 ईयर्स पहले, 5 ईयर्स पहले श्रेया की एज कितनी थी, एक्स माइनस 5 थी। तो अर्जुन की एज कितनी है, इस एक्स माइनस 5 का 3 टाइम्स था। 5 ईयर्स एगो हिज एज वाज 3 टाइम्स श्रेयाज एज। 5 साल पहले जो अर्जुन की एज थी वो श्रेया की 5 साल पहले की एज का 3 टाइम्स है, ठीक है। तो 3 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 5, बात आई समझ में, 3 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 5, ठीक है। चलो सॉरी 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 सॉरी, 5 साल पहले अर्जुन की एज कितनी होगी भाई, आज अगर उसकी एज एक्स 2x ईयर्स है, तो 5 साल पहले कितनी होगी, 2x माइनस 5 होगी। 5 साल पहले इसकी एज हो जाएगी 2x माइनस 5, इसकी एज हो जाएगी x माइनस 5, ठीक है। अब कंडीशन क्या दे रहा है कि 5 साल पहले जो अर्जुन की एज है 2x माइनस 5, वो है 3 टाइम्स ऑफ श्रेयाज एज बिफोर 5 ईयर्स, ठीक है। बिफोर 5 ईयर्स श्रेया की एज कितनी है, x माइनस 5 है। बिफोर 5 ईयर्स अर्जुन की एज कितनी है, 2x माइनस 5 है। तो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ श्रेयाज एज। कंडीशन देखो क्वेश्चन में, बिफोर 5 ईयर्स अर्जुन एज वाज 3 टाइम्स द एज ऑफ श्रेयाज। श्रेया की एज 5 साल पहले x माइनस 5 थी, 5 साल पहले अर्जुन की एज 2x माइनस 5 थी, तो ये एज इसका 3 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। ओके अभी इसको सोल्व करो इक्वेशन को, इक्वेशन बन गई है, 3 का मल्टीप्लाई x में करो 3x हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 5 में करो 15 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 3x है, ये पे 2x है, तो 2x को उधर लेके चले जाओ और 15 को इधर लेके चले जाओ, माइनस 5 और माइनस 15 इधर आके कैसा हो जाएगा, प्लस 15 हो जाएगा। 3x 2x इधर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस 5 प्लस 15 हो जाएगा 10, 10 इज इक्वल टू 3x माइनस 2x, दैट इज x। सो बच्चों x की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। तो इसका मतलब है कि श्रेया की एज जो अभी एज है वो कितनी है, 10 ईयर्स है, और अर्जुन की एज कितनी है, 20 ईयर्स है। ओके वेरी वेरी सिंपल। तो हम एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी लीनियर इक्वेशंस का यूज़ करते हुए उनको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अभी आपको क्या करना है कि इसी के बेस पे जो एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर, एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, उसी के बेस पे आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.4 दी गई है। सो अभी आपको क्या करना है, एक्सरसाइज नंबर 2.4 फिनिश करनी है, ठीक है। सो दो एक्सरसाइज होगी आपकी यहाँ पे, एक्सरसाइज नंबर 2.3 एंड एक्सरसाइज नंबर 2.4, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कोई इक्वेशन जो है उसको कैसे हम लीनियर इक्वेशन दिया होगा, लीनियर इक्वेशन नहीं होगा एक्चुअली वो, और आपको उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है लीनियर इक्वेशन में, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे day 4 में, तब तक के लिए थैंक यू, और देखिए वीडियो और पढ़ते रहिए। चलो थैंक यू वेरी मच।